सीधे लिए चलते हैं आपको अजमेर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इंतजाम पूरा रखा, उसके बाद बिरला मंडल हमारा पूरी दुनिया में पहुंच गया। अरे अच्छा काम किया हमने, पर साथ में दूसरे काम जो किए हैं, क्या राइट टू हेल्थ का हो, 25 लाख का बीमे का हो, कर्मचारी ओपीएस की बात हो, जो जो हमने कहा वो करके दिखाया। अब साथ गारंटी भी है, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को गर्जी मुखिया को 10,000 रुपये देने गारंटी रखी है। अब यह सिलेंडर का दायरा बढ़ा रहे हम लोग, 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। पहले खाली उज्जवला योजना को मिलता था, 15 लाख का बीमा कर रहे हैं, जिनके नुकसान हो जाता है बाढ़ में, अकाल में, सूखे में, ओलावृष्टि में, वो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। गोधन योजना लेके आए हैं, चली तरह बहुत शानदार वो योजना है आपकी। इतने कहना चाहूंगा छात्रों के लिए इंग्लिश स्कूलों की गारंटी दे रहे हम लोग। गांव में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, सीनियर बनर डॉक्टर आने वाले वक्त में देखेंगे। यहाँ के बच्चे जो है देश दुनिया में जाएंगे, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। मैं कहता हूँ बचपन में नहीं खिला था इंग्लिश, क्या काम है, आज मालूम पड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अपना महत्व रखती है। कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट ईमेल आ गए हैं, ऐसे वक्त में हम बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश। और साथ में ये वादा किया है 12वीं पास बच्चा होगा उन सबको अगले साल भर्ती होती कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज होगी वहाँ उसको लैपटॉप टैबलेट दे दिया जाएगा, क्योंकि वो महंगा होता है, माँ बाप फिर नहीं पाते, 15-20 हज़ार लगते हैं उसके अंदर। हमने तय किया तमाम बच्चों को, लाखों बच्चों को टैबलेट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। इस प्रकार से हमने गारंटी दी है, ओपीएस के कानून पास करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कामों की कमी नहीं है, इसकी मैं आपकी जरूरत पड़ गई है। 7 करोड़ 80 लाख कार्ड बटे हैं गारंटी से, 1 करोड़ 81 लाख लोगों ने आगे कार्ड लिए हैं। तमाम काम इतने अच्छे हुए हैं, विपक्ष के बाद फिर प्रधानमंत्री जी आओ तो अमित शाह जी आओ, वो नॉन इश्यू बना रहे हैं और वो बता नहीं सकते हमारी स्कीमों पर, गारंटी पर, कामों पर, तो झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत के अंदर है। हमें जनता को समझाना है, हमने काम करके दिखाया है, हमारा वोट मांगने का अधिकार है आपसे। जनता माए बाप होती है, फैसला वो करती है, तो हमने कम से कम ऐसा माहौल बना दिया राजस्थान में। आज हर घर के लोग कहते हैं सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अच्छा काम सरकार ने किया है, ये सुनने ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सुकून की बात है। और राजस्थान ऐसा स्थिति में आ गया है, राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर लग गई है योजनाओं को लेकर, स्कीम को लेकर। इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आजादी के बाद पहली बार राजस्थान चर्चा चल रही है हमारी स्कीमों की। हमारी सरकारें जो है अपने मैनिफेस्टो बनाते वक्त में हमारी स्कीमों को याद करते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि राजस्थान कई जल्दी आगे बढ़ रहा है। अगली बार सरकार बनाएंगे तो वादा करेंगे अभी स्कीमें लेके आए हैं उन स्कीमों को और मजबूत करेंगे, मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। द्रौपदी कोहली को तो आप जिताएंगे जिताएंगे, महेंद्र यादव सर पिछली बार थोड़े वोट से रह गए थे, इधर पुनः इनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया सोच समझ कर। और द्रौपदी कोहली आप भी अपनी है कार्यकर्ता, सेवा दल की भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, संघर्षशील व्यक्तित्व धनी महिला है, इनको मौका पहली बार दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ सब साथी सारे मतभेद भूल कर बगल काम में उनको जो है नजीब साहब।
और मंजीत जी अच्छा काम इन्होंने किया, फिर को मौका मिला। इनको पूरा आशीर्वाद दीजिए आप लोग। और शिव प्रकाश गुर्जर कॉलेज में अध्यक्ष भी थे, नौजवान हैं, बहुत समझ के इनको टिकट मिला है नौजवान को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो कमी नहीं रखेंगे प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, और आशीर्वाद इनको कामना करेंगे। यही बात करता मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे जाना था कि पहले मैं बोल गया। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम किया है दिल से, काम किया है दिल से, काम किया है दिल से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों चुनावी दौरे पर हैं। आज अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कोटपुतली और उदयपुर बाटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस की जो गारंटी यात्रा है वो अब प्रकाश रोड की ओर निकल गई है। यहाँ से आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ जो उत्तर प्रत्याशी है महेंद्र सिंह रालावता और कांग्रेस से दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोहली इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गहलोत का जो काफिला है, सीएम गहलोत यहाँ से निकल रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में आपको किस तरीके से यहाँ पर सीएम गहलोत का जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो गारंटी यात्रा है लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और ये जो काफिला है या प्रकाश रोड पर मुख्य बाजारों से होता हुआ, ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता है ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। और अब ये लोग जो है कार्यकर्ता आगे की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रकाश रोड पर जो आम सभा को यहाँ पर सीएम गहलोत संबोधित करेंगे, इनके साथ दोनों ही उत्तर दक्षिण के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ पर मौजूद है और अब जो है आम सभा को संबोधित यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन अफाक हुसैन के साथ मैं गौरव यादव, जन टीवी अजमेर।